ओम शांति। शांति। सबसे पहले तो आप सबके लिए मैंने मधुबन से टोली लाया है। मैं पांडव भवन में थी, मधुबन में थी 5 दिन से, और आप सबके लिए बाबा के घर से खोल के भी दिखाती हूँ कि क्या बाबा के घर से टोली मिली है। तो आप कितने भाग्यशाली हो, है ना? तो पहुंच एकदम गए सबको बाबा के घर की टोली। मिल गए, थैंक मुंह यू में पानी आ गया। बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा, तो ऐसा थैंक हुआ यू बाबा, कि थैंक यू बाबा। मधुबन जाना हुआ हमारा, कुछ कोलाबा की रिट्रीट से लीव मिल रही है नहीं मिल रही है के चक्कर में बाबा पे छोड़ दिया, लेकिन बुला ही लिया तो हम चले ही गए। और कल भी बहुत परीक्षा हुई, फ्लाइट लेट हो गई आने के टाइम पे 2 घंटा, तो मैं मॉर्निंग में सुबह 3 बजे यहाँ पहुंची। तो लेकिन कहते हैं ना कि बाबा अपना कार्य एकदम हल्के से करा ही लेता है, अगर हमें बाबा पे एकदम निश्चय है तो। आज का जो टॉपिक है ना, इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ये नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो किसी ने बताया कि रूहानी बाबा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली सभी जानते हैं, क्योंकि ये तो वर्ल्ड नोन है। मैंने ये मकसद से ये क्लास ली, टाइटल दिया है कि रिलेशनशिप बैंक ऑफ इंडिविजुअल, रिलेशनशिप बैंक ऑफ इंडिविजुअल, है ना? तो हमारे हमने अभी जो एकदम प्यारा सा गीत सुना कि जिसमें सब प्यार के बारे में गीत में बताया जा रहा था, और प्रभु से प्यार है तो प्रभु से हमें क्या प्राप्ति हो रही है? प्यार की ही प्राप्ति हो रही है। और अगर हमको प्यार की प्राप्ति हो रही है तो हमारी मन और बुद्धि किससे भर रही है? प्यार से भर रही है। और अगर प्यार से भर रही है तो बाहर क्या आना चाहिए? बाहर क्या आना चाहिए? जो भरा है वही आना चाहिए। लेकिन क्या बाहर आ जाता है कभी कभी? गुस्सा आ जाता है ना? कभी कभी हम कुछ बोल देते हैं तो उससे क्या होता है, अकाउंट में गड़बड़ हो जाती है ना? अच्छा, बैंकिंग बैंकिंग टर्म्स में क्या हम कहते हैं, बैंकिंग टर्म्स में कॉमन क्या यूज करते हैं हम? जैसे अगर आप लोग का सबका बैंक अकाउंट तो होगा ही होगा, है ना? तो आप बैंक अकाउंट में डेली क्या एक्टिविटी करते हैं? डिपॉजिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, डिपॉजिट और क्रेडिट, क्रेडिट एंड डेबिट, विड्रॉवल, डेबिट, या डेबिट कार्ड। विड्रॉवल एंड डिपॉजिट विड्रॉल ऑफ और मनी, विड्रॉवल ऑफ डेफिनेटली मनी, यस। और सेविंग्स, कभी चेकबुक रखते हैं, कभी सेविंग्स। कभी 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 ऐसा होता है कि अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, मिनिमम बैलेंस पे आ जाता है, या कभी कभी ओवरड्रॉन हो जाता है अकाउंट, हमारा विड्रॉवल डिपॉजिट से ज्यादा हो जाता है। और कभी कभी अगर हमारी ट्रैक नहीं रही तो हम चेक इश्यू कर देते हैं, फिर बैंक से कॉल आता है कि अरे बहन जी आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। दैट मीन्स क्या, हमने ओवरड्रॉन कर दिया अकाउंट, है ना? सो हम किस पे ज्यादा फोकस करते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस में? डिपॉजिट पर, टू मेंटेन डिपॉजिट, अवर बैलेंस, है ना? कि भाई जितना विड्रॉ करें उससे ज्यादा डिपॉजिट होना चाहिए और हमारे अकाउंट में सेविंग्स होनी चाहिए, राइट? अब यही चीज अगर हम हमारे इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स में जोड़े
तो क्या है हमारे अकाउंट में? विड्रॉवल ज्यादा है, डिपॉजिट है, ओवरड्रॉन हो गया है, बैलेंस ही नहीं है? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे आजू बाजू में इतने सारे रिलेशंस है, कोई रिलेशन इतना अच्छा है कि जिसमें हम रोज डिपॉजिट करते हैं, जैसे बाबा, है ना? बाबा में हम रोज डिपॉजिट करते हैं ना, वी इन्वेस्ट एवरी डे, वी इन्वेस्ट। कोई रिलेशन ऐसा है कि जिसमें मिनिमम बैलेंस पर आकर अटक गया है, हाय हेलो, बस नो फर्दर कम्युनिकेशन। कोई रिलेशन में विड्रॉवल ज्यादा हो गया है, राइट? कि जो नहीं कहना चाहिए था हमने कह दिया है, और अभी इतना भी डिपॉजिट हम करें तो भी वो अकाउंट सस्टेन नहीं हो सकता, है ना? ऐसे बहुत सारे हमारे रिलेशंस हैं। तो आप सब एक बार ऐसे रिलेशंस के नोट डाउन करो कि जिसमें अकाउंट डोरमेंट है। डोरमेंट मींस के जो अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं किया गया, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल से हमने वो अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं किया, वो रिलेशन पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना? तो ऐसे हमें लिस्ट डाउन करना है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि हर एक आत्मा को हमें क्या देना है? ज्ञान देना है। और जब भी हम ज्ञान देंगे तो ऑलमाइटी की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या होगा? पैसे हमारे डिपॉजिट होंगे। कर्म की भी पासबुक है ना, हमारे पास कर्म का भी अकाउंट है। तो जैसे ये तो रिजर्व बैंक है, तो किसी ने कहा ना कि रूहानी बाबा, तो रूहानी बाबा की भी अपनी बैंक है। तो वो कर्म में हमारी एवरी एक्शंस एंड रिएक्शंस जो हम करते हैं, हमारी क्या कहते हैं उसको, कि हमारा कोई बोलता है तो हम उसको क्या उत्तर देते हैं और उनके उत्तर पर हम क्या रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारे कर्म की बैंक को बैलेंस करता है ना? ऐसे कोई रिलेशन है जिसमें बहुत विड्रॉ हो गया है, तो अभी सालों साल आपको क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट कैसे करेंगे? अपने डिपॉजिट हम कैसे करेंगे? उनको बार बार हमें मतलब बार बार हमें उनको कांटेक्ट करके हमको वर्क करना पड़ेगा वो रिलेशन पे। क्योंकि क्यों ये जरूरी है कि हर रिलेशन प्रॉपर होना चाहिए? क्यों जरूरी है ये? क्यों जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि यही बातें हमें, जब भी हम योग करते हैं तभी यही बातें हमें परेशान करती है ना? जैसे हम बैठ गए और अचानक हमारे थॉट में कुछ आ जाता है, कोई रिलेशंस की बातें आ गई, तो फिर हमारा मन वहीं चला जाता है, सो हमारा योग टूट जाता है। तो इसीलिए हम एक एक्टिविटी करेंगे कि आपके जो पहले तो नियर बाय रिलेशंस है ना, जैसे माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, तो उसमें आप कितने 100 आउट ऑफ कितने पॉइंट्स देंगे, वो पहले आपको लिखना है, राइट? जो भी बच्चे हैं तो बच्चे, तो जैसे मेन रिलेशंस, जो इमीडिएट रिलेशंस जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको लिखना है कि आपका बैंक का बैलेंस क्या है।
बैंक का बैलेंस मींस हमारे प्यार का बैलेंस क्या है, राइट? हमारे कैरेक्टर का बैलेंस क्या है, हमारे इमोशंस का बैलेंस क्या है? सो वो आपको नोट डाउन करना है, तो फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट में हम वो नोट डाउन कर सकते हैं। आउट ऑफ 100 आपको उस पे पॉइंट देने हैं कि मेरे ये अकाउंट में, ये 7 अकाउंट है, उसमें ये बैलेंस है। सिंपल है, लिखा? है ना, लिख लिया। अभी इसमें जहां पर कम पॉइंट्स है वो रिलेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। जहां पे मार्क्स बिलो बिलो 10 या बिलो 20 है, वहां पे विड्रॉवल का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि वो किधर है, मिनिमम बैलेंस पर आके अटका हुआ है ना। सो बैंक में भी अगर मिनिमम बैलेंस अकाउंट, जो मिनिमम बैलेंस रहता है, उसके ऊपर हम विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, हाँ, और अगर कर लिया तो क्या हो जाता है, पेनल्टी लगती है। तो अगर ऑलरेडी कोई रिलेशन में हमारा बैलेंस ऑलरेडी मिनिमम है और उस पर हम अगर विड्रॉ करते ही जाए करते ही जाए, तो क्या होगा, एक दिन वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा। और जब भी, सबको ही पता है कि बैंक में भी जब भी अकाउंट डोरमेंट हो जाता है तो रीकेवाईसी करना पड़ता है ना, सब हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस देने पड़ते हैं, और कितनी मगजमारी का काम। वो उधर तो डॉक्यूमेंट से हो जाएगा वो बैंक में, पर हमारी इस बैंक में डॉक्यूमेंट से काम नहीं होगा। हमारे एक्ट जो हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार में हमें बदलाव लाना पड़ेगा, और घड़ी घड़ी एक अच्छी तरह से उनसे हम व्यवहार करेंगे, 1 बार 2 बार 5 बार 8 बार 10 बार, वी डोंट नो कितने सालों से ये अकाउंट डोरमेंट है। तो जितना ओल्ड अकाउंट जहां पर डोरमेंट हो गया है, उसको रिवाइव करने को कितना टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। और हम ये एक्टिविटी या ये टॉपिक आज मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि बाबा से, बाबा का ज्ञान हमें मिला है, पर हम उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करें, ज्ञान को कैसे हमें समझ आए कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है। सो ये एक इजी मेथड है टू चेक कि हमारे रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सबको समझ में आती है, बैंक अकाउंट है ना, विड्रॉवल अकाउंट मेंटेन करना, ठीक है, किसी के पास फिक्स डिपॉजिट है ना। तो मुझे बताइए, ये फिक्स डिपॉजिट वाले रिलेशंस कौन से हैं? पेरेंट्स हाँ, पेरेंट्स पेरेंट्स, ओके। फिक्स डिपॉजिट वाले रिलेशन वो है, एक्चुअली
कि जिसमें अभी कई सालों तक हम कुछ भी डिपॉजिट नहीं करें तो भी वो रिलेशन एक चुटकी में, एक फोन कॉल में हमारे साथ में है, क्योंकि हमने बहुत उसमें इन्वेस्ट कर दिया है ना। हमारे ऐसे रिलेशन नहीं है कोई भी बेस्ट फ्रेंड, है ना, कि एक फोन कॉल अवे, एक फोन कॉल अवे। ये हमारे फिक्स डिपॉजिट है कि वो अकाउंट में अगर हमने सालों साल तक नहीं भी भरा ना कुछ भी, तो भी वो रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट में है और अभी उसके इंटरेस्ट पर हम चल रहे हैं, है ना। अच्छा, अभी बाबा के साथ में हमारा अकाउंट कैसा है? ये तो बाबा के साथ हमारे अकाउंट कैसे है? और बाबा की जो बैंक है उसमें रोज क्या हो रहा है वो भी तो चेक करेंगे फिर हम। तो ये एक रिलेशनशिप हमारे जो आपस में जो है हमारे लौकिक दुनिया में, वो भी उतना ही मायने रखती है जितना हमारे ईश्वरीय परिवार की रिलेशनशिप मायने रखती है। अभी क्या हुआ कि ईश्वरीय परिवार जो सब बीके है, सब बीके हमको समझ रहे हैं, समझ जाएंगे, वो हमको समझते हैं, ज्ञान के आधार से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। अगर देखिए, आप अगर ध्यान करोगे ना, तो अभी जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हमारे लौकिक दुनिया में होती है तो हमारे थॉट क्या आते हैं कि अरे ये लोग अज्ञानी है, छो वी कैन लेट गो थिंग्स मच फास्टर नाउ डेज, बिकॉज यहाँ पे हमें पता, हमारा मन में आ जाता है कि अरे ये लोग अज्ञानी है, इनको कुछ पता नहीं है। बट अभी हमारा हिसाब कहाँ है? बराबरी का, ज्ञानी लोगों के साथ, है ना। उसमें भी कोई कोई अकाउंट तो बहुत पावरफुल है, 50 साल ओल्ड अकाउंट विद बाबा। जैसे मेरा अकाउंट 10 या 11 साल से है बाबा के साथ, किसी और का 1-2 साल का होगा, किसी का 50, 60, 70 साल से ओल्ड अकाउंट होगा। तो जितना ओल्ड अकाउंट बाबा के साथ है उतना डेफिनेटली उनका पर्सनल रेपो बाबा के साथ अच्छा ही होगा, है ना। जैसे बैंक में भी कहते हैं ना, हमारे ये बहुत ओल्ड कस्टमर है, तो जैसे आप जाएंगे तो क्या, वो आपको इतना अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छी हॉस्पिटलिटी देंगे, ये ट्रेंड है। पर आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि उनको पता है जूने कहाँ नहीं जाने वाले। तो अभी जो नए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से हॉस्पिटलिटी मिलती है। तो जो बाबा के बच्चे नए हैं ना, उनके अकाउंट अभी बहुत पावरफुल चल रहे हैं बाबा के साथ, क्योंकि बाबा को पता है कि जूने तो सब फिक्स डिपॉजिट में है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकते अभी, क्योंकि हमने कर दी है फिक्स डिपॉजिट बाबा के साथ में। सो जो अभी नए हैं उनको बहुत स्कोप है, क्योंकि पूरा बाबा की रूहानी बैंकिंग का फोकस नयों पर है, नए को लाना, नयों को पालना देना, बाबा का बनाना, परिचय देना, है ना, वारिस क्वालिटी को ढूंढना, माई क्वालिटी चाहिए, तो ये सब है ना बाबा का कार्य चल रहा है। तो इससे हमें थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि हमें दोनों अकाउंट में बैलेंस रखना है, ज्ञानी के साथ भी अज्ञानी के साथ भी। ज्ञानी के साथ थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकाबला
बराबरी में है। आप कहें, आप कुछ एक बोलोगे कि महावाक्य बाबा के, तो वो चार बोल देगा, आप छह बोलोगे तो वो 10 बोलेगा, तो भारी मुकाबला है, राइट? तो इसीलिए डिपॉजिट और विड्रॉवल की जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है, और डिपॉजिट से विड्रॉवल की स्पीड फास्ट है ना। जब भी हम कर्म करते हैं, किसी के साथ व्यवहार करते हैं, तो ध्यान में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, राइट? लेकिन विड्रॉवल फास्ट हो जाता है। देखो हमारे पास भी अगर बैंक में बहुत पैसे पड़े रहेंगे ना, हमें पता है हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो कहाँ हम गए, विंडो शॉपिंग ही क्यों नहीं गए, लेकिन कुछ भी नहीं चाहिए वो चीजें भी उठा कर ले आते हैं ना कभी कभी, तो वो क्या हो रहा है, विड्रॉवल की स्पीड ज्यादा है, पता नहीं पड़ता है, और डिपॉजिट करने में समय लगता है, एफर्ट्स लगता है ना। आज हमें हमारी कमाई के लिए जो जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस है, जो भी, तो कितना है उसमें हमको मेहनत करना पड़ता है ना, टू डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। विड्रॉ तो खाली एक स्वाइप करना है ना, कार्ड स्वाइप कर दिया, विड्रॉ हो गया, पर डिपॉजिट के लिए 24/7 दौड़ना पड़ता है, तभी वो डिपॉजिट होता है। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार क्यों कहते हैं कि बच्चे कोई भी कर्म करने के पहले उसको सोचो, समझो, ब्रह्मा बाबा के साथ वेरीफाई करो और फिर वो कर्म करो, क्योंकि बाबा चाहता है कि जो भी हमारे कर्म की पासबुक में बैलेंस है वो खाली ना हो जाए, विड्रॉ ना हो जाए। अभी हम सपोज ये आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिला, अभी किसी के साथ हम जब भी व्यवहार करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा डिपॉजिट हो रहा है कि विड्रॉ हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, जैसे विड्रॉ हो रहा है, ऐसे पता चल रहा है कि विड्रॉ हो रहा है, तो क्या करेंगे, स्लो डाउन, 1-2-5 रुपया विड्रॉ हो गया चलेगा, बट हजारों में नहीं करना है। तो ज्ञान सहज ही है, लेकिन ज्ञान में हमें रोज नवीनता चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, जैसे हमें भोजन में भोजन में नया चाहिए, और इसीलिए हमने लास्ट सेशन भी वो रमणीकता गेम्स का किया था, कितनी सारी उसमें भी वैरायटी थी। तो ज्ञान, ज्ञान को इसीलिए बाबा कहते कि सहज राजयोग है, सहज धारण कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें कहीं ना कहीं लौकिक में भी हमारी लाइफ के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो एक फंडामेंटल हो गया हमारा रिलेशनशिप बैंक ऑफ इंडिविजुअल। तो अभी से हमें वो ध्यान रहेगा, जब भी संबंध संपर्क में हम व्यवहार करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये बैंक, ये अकाउंट में क्या करना है और ये अकाउंट में क्या करना है, किसको फिक्स डिपॉजिट में डालना है, किसको रिकरिंग अकाउंट में डालना है। तो जस्ट इजीनेस, एक मैंने ये बनाया था, दिख रहा है? सो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई ओरिजिनल नाम है, और हमने उसको रीनेम कर दिया रिलेशनशिप बैंक ऑफ इंडिविजुअल। वो किसके बेसिस पे चलता है रिलेशनशिप बैंक ऑफ इंडिविजुअल? इट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट, है ना? आपके लिए ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है कि लव इम्पोर्टेंट है? मेजोरिटी लव,
सिस्टर, ट्रस्ट ट्रस्ट होगा तो लव ऑटोमेटिक हो जाएगी। यस ट्रस्ट ट्रस्ट। तो आज हम वही जानेंगे कि हमारी जो भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप के जो हमारे बैंक अकाउंट है वो सब ट्रस्ट के ऊपर ही चलते हैं। आपको कितना भी लव होगा, लव बहुत हो सकता है, किसी से बहुत प्यार होगा, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे उसके साथ। प्यार होगा लेकिन आपके कॉन्फिडेंशियल बातें आप सब शेयर नहीं कर पाओगे बिकॉज ट्रस्ट नहीं है। और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आप सब बातें अपनी शेयर कर पाएंगे कॉन्फिडेंशियल, तो दैट मीन्स इट इज अ ऑटोमेटिक प्रूव दैट यू लव दैट पर्सन मोर, है ना। कॉन्फिडेंशियल बातें तो हम सबको तो नहीं बताएंगे। तो कॉमनली यूज टर्म्स इन बैंकिंग सिस्टम जो हमने अभी ऑलरेडी उसको हमारे ब्रेन स्टॉर्म हमने ऑलरेडी कर दिया कि डिपॉजिट, विड्रॉवल, नो बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स कोई कोई महीने में हम वो एक हर किसी का रहता है ना, हर एक महीने में फैमिली गेट टुगेदर रहता है, तो इट इज लाइक अ रिकरिंग डिपॉजिट कि हम लोग उसको एट सर्टन इंटरवल वी ट्राई टू डू द वी ट्राई टू डिपॉजिट समथिंग इन टू दैट अकाउंट। सो रहता है ना कि बैंक में भी हम कर सकते हैं कि आपके जो बैंक में मंथली रिकरिंग आप खोल सकते हो कि हर मंथ इतना पैसा रिकरिंग डिपॉजिट में ऑटोमेटिक चला जाता है। सो ये कॉमन है। अभी ये हम देखते हैं कि जो जैसे बैंकिंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं ना, आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फिर आपका एड्रेस प्रूफ लगता है, एंड देन सम मोर डॉक्यूमेंट कभी कभी वो पूछते हैं। तो रिलेशनशिप्स के प्रिंसिपल के क्या, रिलेशनशिप्स के क्या प्रिंसिपल है, उसमें पहली प्रिंसिपल है सीइंग गुड दैट इज गोल्ड, कि हर एक व्यक्ति में हमें गोल्ड देखना है, मतलब विशेषता देखनी है, उसका गुण देखना है। जो बाबा कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के क्या करो, गुण देखो, उनकी विशेषता को देखो। तो जब भी हम हर एक की विशेषता को देखेंगे तो हमारा उस बैंक अकाउंट में क्या होगा, वो व्यक्ति के साथ के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा ना। विड्रॉवल का तो स्कोप ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया प्रिंसिपल। फिर व्हाट यू आर इज मोर इम्पोर्टेंट, इसका मतलब बाबा कहते हैं कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप कौन हो, पहले ब्राह्मण, और आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर के डायरेक्ट पालना लेने वाले बच्चे हो, तो ईश्वर की, परमात्मा की, प्रभु की, गॉड की क्वालिटी क्या है, लव, कैसा, अनकंडीशनल लव, राइट। तो व्हाट यू आर इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हमारा व्यवहार किसी के साथ भी कौन से बेसिस पे होना चाहिए, व्हाट आई एम, नॉट व्हाट अदर्स। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैलकुलेशंस में चले जाते हैं ना कभी कभी, कि इसने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूं, इसने ऐसे किया तो मैं ऐसा करूं। नहीं, बाबा कहते हैं कि व्हाट यू आर is more important, समझा। फिर जो अभी हमने ये किया कि love versus trust, so to be trusted is more important than to be loved। बाबा कहते हैं कि विश्वास, निश्चय, पहले आपको तो निश्चय होना चाहिए बाबा पे, जब तक
आपको निश्चय नहीं होगा, आप बाबा से लव नहीं कर सकते। और जब तक आप खुद लव और ट्रस्ट नहीं कर सकते बाबा पे, तो हम दूसरों को कैसे ला सकते हैं ज्ञान में। और इसीलिए हर रिलेशनशिप में जब भी हमारा ट्रस्ट है, वो रिलेशनशिप में डिपॉजिट ही डिपॉजिट है, वो हमारा अकाउंट एकदम सुपर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आती है, वी टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट अस, है ना। हम अगर किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वही करेगा ना जो हम दे रहे हैं उसको। अगर हम उसको गुलाब का फूल देंगे तो वो भी वैसे ही हमें देगा, ट्रीट करेगा। अगर हम उसको कांटे देंगे तो वो क्या करेगा, गुलाब का फूल तो नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि वो कौन है, अज्ञानी है। उसको ज्ञान नहीं है कि क्या ज्ञान है बाबा का, ज्ञान हमारे अंदर है। और इसीलिए हम दूसरों को वैसे ही ट्रीट करें जैसे ट्रीटमेंट हमें चाहिए। सो वी टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट अस, हमारा व्यवहार सामने वाले का व्यवहार डिसाइड करता है। और पांचवा और लास्ट प्रिंसिपल है, ड्रॉप एक्सपेक्टेशंस, स्टॉप चेंजिंग अदर्स, लोगों को बदलना छोड़ दो, लोगों से कोई भी अपेक्षा रखना छोड़ दो। बाबा क्या कहते हैं, दूसरों को मत बदलो, खुद बदल जाओ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सो ड्रॉप एक्सपेक्टेशन के ये चेंज हो जाएगा। जब भी हम एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर देते हैं तो हमारा अकाउंट स्टेबल है, क्योंकि उसमें ना विड्रॉवल हो रहा है ना डिपॉजिट हो रहा है। सो अकाउंट सेफ है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है वो अकाउंट में, राइट। और शांति बहन ना वो हाँ जी, फोर एक्सप्लेन करेंगे ना, वी टीच नंबर अदर्स हाउ टू ट्रीट अस। यस। हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम हमारी जो एक्शन रहती है कोई भी रिलेशनशिप में, जो व्यवहार हमारा रहेगा वैसे ही वो व्यक्ति हमारे से व्यवहार करेगा। अगर आज अभी सेशन चालू हुआ, आप लोग ओम शांति बोलते ही रहे बोलते ही रहे, मैं यहाँ से बोलू ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा सेशन होगा आप मेरे को ओम शांति नहीं बोलेंगे सामने से, जब तक मैं ना बोलू। मतलब ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ। सो मैं खुद ही आपको बता रही हूँ कि मुझे आपको कैसे ट्रीट करना है, राइट। क्लियर हुआ सिस्टर? हेलो, यस बेन, थैंक या यू। हाँ। सो हमारा एक व्यवहार दूसरे को दो या तीन दुर्व्यवहार करने के लिए एनकरेज कर सकता है, इसीलिए हमें इस पे बहुत ध्यान रखना है। सो सो बेन, सबसे अच्छे पॉइंट ये पांच पॉइंट में जी। नंबर फोर में कैन बी से दैट दैट वी ट्रीट अदर्स द वे वी वांट टू बी ट्रीटेड। राइट राइट। ओके अभी देखो सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अभी तो खैर, अभी जैसे हम लोग रोज मंदिर तो अभी नहीं जाते हैं, हाँ राइट। जी बट हम पहले का एक्सपीरियंस भी देखे कि जब भी हम हमेशा मंदिर जाया करते थे, जब भी बाबा नहीं मिला तभी की बात मैं कर रही हूँ, या अभी भी हर एक की रिचुअल्स, हर एक की रिलीजन अलग है। सो आप सपोज रोज मंदिर जाओ, साल में एक बार जाओ और 3 साल में एक बार जाओ, जो वहां पर देती है उस वो तो क्या कर रही है, स्माइली दे रही है ना आपको, वरदान दे जी ही रही है। उसका तो क्वालिटी क्या है, देना देना देना। और ये जो अभी का साल है 2022, सो उसमें तो दो 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 ही है, राइट ना। 2022 जो है
उसमें दो दो दो, हाँ जी, तो बाबा भी क्या कहता है, दो दो दो। दो दो। तो ये देने का, हमारे हमारे जो संस्कार है, हमारी जो क्वालिटी है, जो अभी बाबा के ज्ञान से परिवर्तन हो गई है, हमारे जूने संस्कार अभी, मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि 100% चले गए हैं, लेकिन काफी हद तक चेंज हो गए हैं। तो उसमें किसी और का कलर मिक्स हम क्यों करें, जब ये बाबा के रंग से, बाबा के ज्ञान के कलर से हमारे संस्कार अगर परिवर्तन हो रहे हैं। और हमें पता है कि हम अगर किसी को सबक सिखाने के लिए भी ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा वो कर रहे हैं, तो हमारी तो बाबा के रिजर्व बैंक, रूहानी बाबा की जो बैंक है, उसमें तो घाटा आ गया ना, उसमें तो घाटा आ गया। और वो घाटे को भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं ना, एक आपका कर्म श्रीमत के विरुद्ध, कितना हमें योग करना पड़ेगा विकर्म विनाश करने के लिए। इसीलिए हम आज से जो हमें ये बैंकिंग का फंडा, रिलेशनशिप अकाउंट का फंडामेंटल, जो हमने सेम ज्ञान है जो बाबा दे रहा है, लेकिन हम उसको डिफरेंट वे में लिंक करते हैं। कार्मिक अकाउंट जो बाबा हमेशा कहते हैं कि आपके कार्मिक अकाउंट है, कर्म बंधन है, तो हम उसको ये बैंक की भाषा में समझ रहे हैं, क्योंकि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये हम लोग सब डे टू डे इसमें काम करते हैं, इसीलिए हमें पता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स है। अभी जो हमारी रिलेशनशिप बैंक जो चल रही है, सॉरी, यहाँ पर कैरेक्टर बैंक ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए था, मिस्टेक है। सीबीआई, जैसे हम कहते हैं ना सीबीआई, तो सीबीआई का तो मतलब क्या है, सिविल ब्रांच ऑफ इंडिया, जो मतलब सीआईडी का काम करते हैं, सीबीआई जो है ना। यहाँ पर जब ये रिलेशनशिप बैंक है, उसमें दूसरी एक बैंक जो उसके सब कैटेगरी है, वो है कैरेक्टर बैंक ऑफ इंडिविजुअल। ये यहाँ पर इंडिया लिख दिया है बाय मिस्टेक, कैरेक्टर बैंक ऑफ इंडिविजुअल। सो कैरेक्टर, हमारे जो कैरेक्टर बैंक है, दैट मीन्स कि हमारे जो गुण है, हमारे जो संस्कार है, उसमें से एक तो ज्ञान के आधार पर भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अभी हम लोगों को उनसे बेटर समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे में ज्ञान है। बाबा ने हमें बताया कि कोई अगर कोई एक्शन कर रहा है, तो वो उसके संस्कार के वशीभूत है, उसका वो बहुत कोई पुराना संस्कार है जिसके आधार पर वो डील कर रहा है। तो इसीलिए रिलेशनशिप में कैरेक्टर बिल्डिंग, जब भी हमारे कैरेक्टर की, चरित्र के साथ में जब भी हम व्यवहार करते हैं, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग अदर्स, ये फर्स्ट क्वालिटी है। फिर दूसरा, जब भी हम, और दूसरा ये लिंक्ड है, जब भी हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चालू करते हैं, हमारे अकाउंट में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, जो हमारा मेन अकाउंट है, रिलेशनशिप बैंक ऑफ इंडिविजुअल, उसमें क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। बिकॉज आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना किसी को, तो आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। दूसरी पॉइंट है केयर फॉर लिटिल और स्मॉल थिंग्स। जब भी हमारे आजू बाजू में जो भी है, मतलब हस्बैंड है या माता पिता है या सास ससुर है, उनके छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें, तो उनके दिल से क्या निकलेगी, शुभ भावना ही निकलेगी, है ना, ब्लेसिंग निकलेगी। तो वो ब्लेसिंग क्या हो जाएगी, फिर से हमारी
डिपॉजिट होगी। थर्ड पॉइंट है एप्रिशिएट, लोगों की प्रशंसा करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रशंसा करना, लेकिन सपोज घर में किसी ने जो जिसने खाना बनाया, अच्छा खाना बनाया बहुत, तो उनको हम बोल सकते हैं ना कि अरे आज बहुत बढ़िया खाना बनाया। हमारा कोई, हम अगर जॉब कर रहे हैं, हमारी कोई टीम मेंबर ने अच्छा काम किया, तो हम कह सकते हैं कि अरे वेल डन। तो जब भी हम ये अप्रिशिएट, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है इंडिविजुअल, जो लोगों के दिल में है, उसमें क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। फिर ये पॉइंट जो है, अभी थोड़े टाइम पहले जो क्वेश्चन था कि हम करते ही जा रहे करते ही जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला उतना नहीं कर रहा है या चेंज नहीं हो रहा है, वॉट एवर द थिंग, तो उसके लिए ये वर्क करता है क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन। जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि आप आउट ऑफ द वे जाकर भी कुछ कर रहे हो और वो पर्सन को उतना फर्क नहीं पड़ रहा या वो नहीं समझ रहे हैं, तो म्यूचुअली बैठकर बातें करना ज्यादा अच्छा है। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हम क्लैरिफाई करें कि हमारा ये जो रिलेशन है, जैसे सिस्टर और ब्रदर का, तो सिस्टर को क्या आशा है, मतलब क्या शी वांट्स फ्रॉम ब्रदर, एंड ब्रदर को क्या चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेथोडोलॉजी है कि जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वहां पर म्यूचुअल डिस्कशन करके एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे से क्या चाहिए, उसको अगर क्लैरिफाई कर दिया जाए, तो वो रिलेशनशिप डोरमेंट होने से बच सकती है। अगर सी ये जो हम बातें कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो रिलेशन आपसे रखे, तो वन साइड हो गया ना फिर, तो ये वन साइडेड से वन साइडेड, वो तो वन साइडेड हो गया, वो वन साइडेड है, बिकॉज आप करते जा रहे हो, सामने वाला उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। पर अगर आपके लिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो सोचे बिना आप करते रहो जो आप कर रहे हो। जैसे सपोज एक जैसे फादर है, ओके, या भैया और भाभी का रिलेशन लेते हैं, कि जैसे ब्रदर एंड वाइफ इज, वी आर, आई एम डूइंग, मैं बहुत सारी चीजें उन लोग के लिए कर रही हूँ, लेकिन उनको वो रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है वहां से, या वो रखना ही नहीं चाहते, लेकिन हम तो रखना चाहते हैं क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरे को उससे फर्क पड़ता है, आई वॉन्ट टू कीप दैट बैंक अकाउंट अलाइव, उसको डोरमेंट नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। ये देखो, ये सब चीजें जो रिलेशनशिप्स है, उसमें हर छोटी सी छोटी रिलेशन अफेक्ट करती है। मैं तो जब भी सपोज मेरे लास्ट मोमेंट्स आए, उसमें मेरे को तो मन में ये नहीं रहेगा ना कि ये रिलेशनशिप में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सो अगर आपको आउट ऑफ द वे जाकर आप अगर कुछ कर नहीं रहे, अगर कुछ सिंपल चीजें आप कर रहे हो वो रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, वो बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन वो करते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं एक दिन तो वो आएगा, पर्सन विल रियलाइज, भले वो अभी आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड देयर रजिस्टर हो रहा है उनको कि इन ये जो कर रहे हैं मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा हूं। आई होप कि
आपका जो क्वेश्चंस था उसमें सम लाइट ऑफ क्लैरिफिकेशन इज देयर, मैंने जो आपको बताया उसमें। वो ही है ना, मतलब आप तो यही कह रहे हैं, आप यू कीप आप अच्छे हो, यू कीप ऑन डूइंग योर गुड, हाँ, क्यों हम इरिस्पेक्टिव दे हमारी रिस्पॉन्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर साइड डज, यू जस्ट कीप ऑन या डूइंग इट. हाँ टिल इट डजंट क्या कहते हैं उसको, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, सो तब तक आप कर सकते हो। क्योंकि बाबा भी वही कहता है कि आप आपकी अच्छाई क्यों छोड़ना है, आपके पास क्या भरा है, आपके पास तो आत्मा में क्या भरा हुआ है, लव है, कंपैशन है। बाबा कहते हैं आप रहम दिल बनो, है ना। देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, वो बाद में एंड में आएगा, हाँ जी मेकर एंड ब्रेकर, मेकर एंड राइट, ब्रेकर, बट वी आर अ मेकर क्वालिटी बाबा. बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू मेक अ गोल्डन युग, गोल्डन वर्ल्ड, सतयुग हम ला रहे हैं, लाने वाले हैं। देखो बोलना, मैं जो बोल रही हूँ वो इजी है, आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन, राइट। तो मैं जब भी आपको एडवाइस कर रही हूँ, आई एम वेरी डिटैच विद दैट सिचुएशन, इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस कर पा रही हूँ। बट जब भी आप वो सिचुएशन के अंदर रोल प्ले कर रहे हो जो आपके यहाँ चल रहा है या जो भी है रिलेशन, सो आप अंदर अटैच हो गए हो बिकॉज यू आर प्लेइंग द रोल, इसीलिए क्या हो रहा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट है। बट बाबा फिर भी कहता है कि ड्रामा को साक्षी होके देखने के लिए क्यों कहता है कि न्यूट्रल बनकर देखो, हर्ट क्यों कर रहा है बिकॉज यू स्टिल हैव द, आप सोच रहे हो कि मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं, सो इसीलिए आपको वो हर्ट फीलिंग आ रही है। अगर आप ये सोचो कि ये मेरी ड्यूटी है तो आपको इतना हर्ट नहीं होगा। हर्ट इसीलिए हो रहा है बिकॉज जस्ट नाउ हम लोग कैलकुलेटिव मोड पे है, एक के बदले एक, दो के बदले दो, वो कैलकुलेटिव मोड पे है। अगर वो कैलकुलेटिव मोड हम छोड़ दे और हम यही सोचे कि मेरे पास, मुझे जो करना है मैं करूंगी, मेरे बस में जो है मैं करूंगा, और वो करने से अगर आपको कोई भी ऐसा लॉस नहीं हो रहा है तो वो करना चाहिए। हर्ट नहीं होना है क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले जो व्यक्ति है उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, वो आत्मा की बैटरी बहुत ही डाउन हो गई है, और उसको ऊपर लाने के लिए, वो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बार बार अच्छे एक्ट करते रहना पड़ेगा। अगर वो रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं, वही तो है ना कि दाता के बच्चे, बाबा भी रोज क्या करता है, हमारे में कितनी सारी चीजें रोज डिपॉजिट करता है ना। वो नहीं देखता है कि हमने आज अमृत वेला किया या नहीं किया, या कल हमने नुमा शाम योग किया कि नहीं किया, वो डिपॉजिट करता ही है क्योंकि वो समझता है कि ये सब चीजें होती है जीवन में। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, यू मेड इट वेरी क्लियर, वेरी क्लियर. थैंक यू बाबा, थैंक यू ओके सिस्टर, ओके जी, थैंक थैंक यू टू बाबा, यू. है या ना। थैंक यू टू बाबा, या और दूसरा नहीं, बिकॉज सी आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को इसीलिए ध्यान में आया क्योंकि आई एम डूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स जस्ट नाउ, मेरे कंपनी ने मेरे को एक प्रोफेशनल कोर्स में भेजा है, सो वो प्रोफेशनल कोर्स में एक ये टाइप का टॉपिक था, नॉट सिमिलर बट थोड़ा डिफरेंट। तो तभी मुझे लगा कि अरे इसको बाबा का ज्ञान के साथ कनेक्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि खाली हम लोग को तो दोनों रिलेशनशिप बैंक में काम करना है ना, एक तो लौकिक और दूसरा अलौकिक, क्योंकि बाबा के साथ भी तो हमें रिलेशनशिप्स में जमा करना है, वो आएगा अभी आगे। तो
इसका लास्ट जो पॉइंट है कैरेक्टर हमारे, ये हम लोग हमारी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप के बैंकिंग सिस्टम है उसमें कैरेक्टर हमारा कैसे काम करता है। तो उसका लास्ट पॉइंट है गिविंग एंड फुलफिलिंग प्रॉमिसेस। कोई भी रिलेशन, जैसे माँ और बच्चे की मैं बात बताऊं, माँ अगर बच्चा कुछ होमवर्क नहीं कर रहा है तो मम्मी उनको कहेगी तू अगर होमवर्क अभी कर लेगा ना तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। सो मम्मी ने कमिटमेंट दे दिया, बच्चे को प्रॉमिस कर दिया कि आपका होमवर्क हो जाएगा तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगी। लेकिन जब भी उसका बच्चे का होमवर्क हो गया और मम्मी को पता चलता है कि उसको कोल्ड कफ हो गया है, तो वो कोल्ड कफ जब भी हो जाएगा तो क्या मम्मी आइसक्रीम देगी? नहीं देगी ना। तो बच्चे को क्या लगेगा कि मम्मी ने प्रॉमिस किया और प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। इसीलिए हम अगर किसी को भी प्रॉमिस देते हैं तो वो प्रॉमिस ऐसी हो जो कोई भी सिचुएशन में हम उसको फुलफिल कर सके। अगर आज मैं किसी को कहूं कि आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे, मैं बहुत बहुत ऐसे मेरे रिलेशन है जिसमें मैं कहती हूँ कि आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे, तो दैट मीन्स एनी टाइम दैट पर्सन कैन डिपेंड ऑन मी फॉर एनीथिंग दैट पर्सन नीड। तो जब भी मैं ऐसा बोल रही हूँ तो क्या मेरे पास वो कैपेसिटी है कि जो कमिटमेंट जो प्रॉमिस मैं दे रही हूँ वो मैं फुलफिल कर सकूँ। तो इसीलिए जब भी हम, बाबा भी कहते हैं ना हाथ उठाओ बच्चे हाथ उठाओ, प्रतिज्ञा करवाता है ना कभी, कौन करेगा चलो हाथ उठाओ। तो हम जब भी वो प्रॉमिस तो कर देते हैं बट वो फुलफिल भी करने की हमारे में क्षमता चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि एक बार अगर हमने बाबा के सामने हाथ उठा लिया तो सारी शक्ति वो प्रॉमिस को फुलफिल करने की बाबा दे ही देता है। अभी जब ये सिस्टर का कॉल आया रूपाली सिस्टर का, तो मैं तो पांडव भवन में थी और पांडव भवन में तो मुझे ये कुछ काम करने नहीं मिलेगा क्योंकि रिट्रीट लेके गए थे एंड आई वाज द कोऑर्डिनेटर। उसमें 3-4 सेशन तो मुझे लेने थे वहां पर और इतनी सारी कुछ ना कुछ चल रहा था। तो कल शाम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूंगी यार। सो मैंने बाबा को बोला कि बड़े चाव से मैंने टॉपिक तो दे दिया पर अभी करना क्या है। और वो इतना ये हो रहा था क्योंकि पांडव भवन से निकले अहमदाबाद आए फिर अहमदाबाद से वापस फ्लाइट लेना, तो सब ये हो रहा था। फिर एयरपोर्ट पर आई तो फ्लाइट 1.5 घंटा डिले थी, तो फिर लैपटॉप निकाल के मैंने मेरा काम चालू कर दिया है ना। और 4-5 चीजें तो मैंने मॉर्निंग में बनी। सो मतलब मेरा कहने का, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि गिविंग एंड फुलफिलिंग प्रोमिसेस है ना। एक बार तो मेरे को कल मन भी हुआ कि रूपाली सिस्टर को लिखू कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, पर मैंने बोला नहीं, व्हाई हाउ आई कैन से दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज जब भी उन्होंने रूपाली सिस्टर ने मुझे कॉल किया तो मुझे उनका कॉल नहीं, मुझे बाबा का कॉल आया कि आपको ये सेशन लेना है। तो जब भी मैंने हाँ कर दी है तो करेगा कौन? बाबा करेगा और हो गया है ना। सो इसीलिए ये जब भी हम दिस, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है कि हम और लव एंड ट्रस्ट, हमारा भी बाबा के साथ लव तो है और ट्रस्ट भी है, तो वो म्यूचुअल है कि मैं बाबा को ट्रस्ट करती हूँ, बाबा मुझको ट्रस्ट करता है कि जो वो चाहता है मैं डिलीवर कर पाती हूँ। फिर कितने भी उसमें चैलेंजेस आए बट हो जाता है। तो ये समझ में आ गई ये सब पॉइंट्स? वेरी गुड। हाँ, अभी हमारा रिलेशनशिप विद बाबा इन्फ्लुएंस, जो आरबीआई का और एक मीनिंग क्या है, रिलेशनशिप विद बाबा इन्फ्लुएंसेस। मैंने मेरे हिसाब से 6-7 पॉइंट्स लिखे हैं कि बाबा के साथ हमें
कौन से रिलेशन, जो मुख्य रिलेशन है जो हमारे लौकिक है उसको अलौकिक में कन्वर्ट कर देना है। देखो जब भी आप कोई भी रिलेशनशिप, लौकिक रिलेशनशिप अलौकिक में कन्वर्ट करते हो तो लौकिक उसमें आ ही जाता है, क्योंकि अलौकिक में लौकिक समाया हुआ है। तो बाबा से ये जो हमारे रिलेशंस है एज अ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सखा, टीचर, चाइल्ड, तो ये रिलेशनशिप में हमारे बैंक अकाउंट की पोजीशन क्या है। बाबा कहते हैं ना, सर्व संबंध से याद करते रहो। गुरु भी है, शिक्षक भी है, बाप भी है, तो वो सब हमको उससे याद करना है। तो हमें वो अभी डिफाइन करना है कि हमारे कौन से रिलेशनशिप जो बाबा के साथ है उसमें क्या मार्क्स है, क्योंकि हमें हर एक को बैलेंस करना है, हमारे हर रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। तो ये आप एज अ होमवर्क ले सकते हो कि 100 में से बाबा के साथ कोई भी रिलेशन आप कर सकते हो, कंपेनियनशिप, बाबा इज माय बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, गर्लफ्रेंड, जो भी, तो उसमें 100 में से हमारे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। सो उससे पता चलेगा कि जहां पर पॉइंट कम आ रही है उस अकाउंट में हमें वो रिलेशन से हमें बाबा को ज्यादा याद करना है। ओके अभी जब भी ये रिलेशनशिप्स हम बाबा के साथ करते हैं, ये ज्ञान हमने लिया, हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तो उससे फायदा क्या हो रहा है ना। हम जो भी एफर्ट्स करते हैं वो बाबा कहाँ रखता है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है ये बाबा की, है ना। एफर्ट्स वी मेक ड्यूरिंग संगम युग इज लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। अभी जो एफर्ट कर रहे हैं वो फिक्स डिपॉजिट में हम डाल रहे हैं, इसकी मैच्योरिटी डेट गोल्डन एज में है, सत्युग में है, अभी मैच्योर नहीं होगा। अभी का जो पुरुषार्थ है उसके प्रारब्ध कभी है, संगम सत्युग में है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे, राइट। अभी उस पे इंटरेस्ट कितना है, अनकाउंटेबल। बाबा ने क्या कहा, पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम पति आप बनोगे, सो वी कांट काउंट कितने जीरो उसमें ऐड होंगे। और वो पद्मा पदम हम कितने जन्म तक रहने वाले हैं, 21 बर्थ्स। सो हमारी ये एफडी तो बहुत तगड़ी है ना, मतलब कहते हैं कि वेरी वैल्यूएबल एफडी। और सिर्फ यही नहीं, 21 जन्म तो हमें इंटरेस्ट अनकाउंटेबल रेट से मिलेगा, वी डोंट नो, बट उसका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट भी तो चढ़ रहा है ना। सो वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हमको 63 बर्थ्स तक रहेगा। और बाबा क्या कहते हैं, इसीलिए 84 बर्थ्स हम जो ले लिए हैं हमने, तो हमें इवन कलयुग के एंड में भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। है हमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है कलयुग के अंत में भी, नहीं है, क्योंकि हम किस पे चल रहे हैं, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे हमारी हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए हम जॉब करें या नहीं करें, दाल रोटी का बंदोबस्त हमारा अभी ही हो चुका है। सो ये फिक्स डिपॉजिट में हमें कितना डालना चाहिए, सबसे ज्यादा डालना चाहिए ना, क्योंकि ये इस पे इंटरेस्ट बहुत ही जास्ती है, हमें पता भी नहीं है। तो ये हमारी बाबा की अभी फिक्स डिपॉजिट स्कीम चल रही है, संगम युग टू सतयुग। सो ये बैंकिंग टर्म्स में थोड़े कुछ चीजें हमने देखी, मेक एंड ब्रेक। ये रिलेशनशिप में कोई मेकर भी है और कोई ब्रेकर भी है, और ऐसे ही कोई मास्टर भी है, मास्टर्स है और कोई डिजास्टर्स है।
कोई रिलेशनशिप में डिजास्टर्स भी लेकर आ सकते हैं। बट मैं समझती हूँ कि हम दोनों में क्या है, मेकर एमएम है, मेकर भी है और मास्टर भी है। तो जब भी हम ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा सत्यु, जल्दी आ ही जाएगा ना। तो आई होप कि ये सेशन में, ऑफ कोर्स ये मैंने भी फर्स्ट टाइम लिया है, दिस इज सम डिफरेंट टॉपिक, सो आई इतना मुझे भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन आई थिंक बाबा हैज डन हिज जॉब बेटर, क्योंकि फिकर उनको थी मुझे नहीं। गिविंग एंड फुलफिलिंग प्रोमिसेस, मैंने प्रोमिस दे दिया, उसने वो प्रोमिस को फुलफिल कर दिया। सो दिस इज अ लिटिल इजी वे टू अंडरस्टैंड अवर कार्मिक अकाउंट, हमारे कार्मिक अकाउंट एक दूसरों के साथ क्या है, हमारा पुरुषार्थ का अकाउंट बाबा के बैंक में क्या है, और हमारी फिक्स डिपॉजिट कितनी जमा हो रही है, जो हमको पूरे 84 बर्थ तक इंटरेस्ट और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के ऊपर चलानी है। तो हम मतलब हम भी वो चिंतन करें कि हमारी एफडी अभी कितनी हो गई होगी, और उसका इंटरेस्ट तो क्या होगा, और उसका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट क्या होगा। तो इन शॉर्ट बाबा कहते हैं कि इसी जन्म में आपको 63 जन्मों की कमाई करनी है, क्योंकि 21 जन्म तो डेफिनेटली हमारा कुछ भी खर्चा ज्यादा होने वाला नहीं है, है ना। वो जो अनकाउंटेबल परसेंटेज पे 21 जन्म मिलते ही रहेगा, वो ऐड होते ही रहेगा, लेकिन हमारा खर्चा कब से चालू होगा, द्वापर के बाद से। तो 63 बर्थ्स में हमारे काफी खर्चे होंगे, वो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है ना सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे कैरेक्टर में हम इतनी अच्छाइयां भरे, इतने गुण, इतनी शक्तियां को हम धारण करें कि हमारे अकाउंट अभी बिल्कुल भी डॉर्मेंट ना हो, बिल्कुल भी उसमें विड्रॉवल ना हो। क्योंकि जितना अकाउंट में पैसे और बैलेंस ज्यादा रहेगा, उतनी हमारी एफडी ज्यादा बनती जाएगी, और जितनी एफडी ज्यादा बनेगी, हमारा इंटरेस्ट और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा आते जाएगा। ओम शांति। कोई क्वेश्चन है तो? बहुत ही सुंदर दीदी ने समझाया। किसी को कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है पर एक कमेंट है। आरबीआई तो मैंने सोचा था राजयोगी बाबाज इंसेंटिव्स, ऐसा सोचा। अरे वाह, वेरी नाइस, गुड गुड टॉपिक, मतलब आपने अच्छा चिंतन किया, है ना। किसी को कुछ शेयर करना है या फिर कोई क्वेश्चन? मैं सुन रही थी तभी दीदी मुझे थॉट आया कि किसी किसी को कोई कोई लोन भी तो लेते हैं ना अकाउंट में से, तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है ना वो। ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बहुत ज्यादा उसमें से विड्रॉ कर लिया है, तो आप अभी कितना भी डिपॉजिट करोगे ना, जैसे वो ब्रदर की कहानी, आई एम सो सॉरी, वो जो ब्रदर ने अभी बताया ना कि हम लोग कर रहे हर्ट होता है, तो वो लोन अकाउंट है उनका, ओवरड्राफ्ट चल रहा है उसमें, तो भी हमें लोन भी, हमारे कर्जे भी करने हैं। दूसरी तरफ से, इनकी तरफ से नहीं, ये तो डिपॉजिट कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ से ओवरड्राफ्ट चल रहा है, सो वो सिंक्रोनाइज हो नहीं पा रहा है एक जगह पर, है ना। सो ऐसे धीरे धीरे आप जब भी चिंतन करोगे ना, और बहुत सारे जैसे इन्होंने कहा कि लोन जो ओवरड्राफ्ट, तो ऐसे बहुत कुछ आएगा, तो हम इसको और उसमें पॉइंट्स ऐड करके और भी अच्छा बना सकते हैं। सो इन शॉर्ट कि बाबा जो हमें मुरलियों में कहता है कि आप पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, वो सब पॉइंट्स ये अकाउंट से रिलेटेड है। और बाबा तो रोज ही कहता है ना, पद्मों की कमाई है, आपके हर कदम में पद्मों की कमाई है,
तो वो क्या है, ये सब इससे ही तो रिलेटेड है। तो हम अगर हमारे रिलेशनशिप, हमारे कैरेक्टर और हमारे इमोशंस को सिंक्रोनाइज करें, तो डेफिनेटली हम जहाँ रह रहे हैं वहां का आजू बाजू का जो माहौल है वो एज इट इज अभी ही गोल्डन युग हो जाएगा।